एडवांस नी एंड शोल्डर हॉस्पिटल जो कि SG हाईवे के ऊपर स्थित है, वहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन की तरह काम करता हूँ। हमारा हॉस्पिटल पकवान चार रास्ते के एग्जैक्टली ऊपर आता है। आज मैं एक बहुत ही कॉमन चीज़ जिसके बारे में मुझे कई पेशेंट्स ने कहा है उसके ऊपर बात करूँगा कि आपके घुटने को कैसे बचाया जा सकता है। घुटने की सर्जरी करके इलाज तो हर डॉक्टर कर देता है। अगर आपके घुटने में तकलीफ है तो मोस्टली आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर्स का सुझाव होता है कि नी रिप्लेसमेंट करा ले, ओल्ड पेशेंट जितने भी जाते हैं कि घुटना बदल लें। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम आज जिसको एड्रेस कर रहे हैं वो ये है कि घुटने को बचाया कैसे जा सकता है। हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि घुटने में घिसारा ना हो, घुटना डैमेज नहीं हो, घुटना बच सके, या मैं कह सकूं अगर शॉर्ट में हम बात करें तो घुटने का प्रिवेंशन कैसे है, कि घुटने को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, घुटने की लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ पेशेंट्स ही नहीं जिसको घुटने की तकलीफ है, सिर्फ उसी के लिए जरूरी नहीं है, ये उस आदमी के लिए भी जरूरी है जिसके घुटने हैं। इसका मतलब ये है कि ये हर आदमी के लिए जरूरी है। तो हम बेसिक चीजों पर आएंगे, घुटने के लिए क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या करके हम घुटने की आयु को लंबा कर सकते हैं, खींच सकते हैं। पहली चीज, घुटने की तकलीफ का सीधा सीधा रिलेशन आपके वेट से है, वजन से है। ओवरवेट पेशेंट घुटने में तकलीफ ज्यादा, जिस पेशेंट का मोटापा ज्यादा है उसको घुटने में तकलीफ ज्यादा होती है। तो पहली चीज, अगर आपको मेरे से मैसेज ले सकते हैं तो ओबेसिटी कंट्रोल कीजिए, मोटापा कंट्रोल कीजिए, वजन ना बढ़ने दे। अगर आपने अपना वजन 5 किलो भी कम किया है तो आपके घुटने की तकलीफ 50% कम हो जाएगी, इतना रेशियो रहता है। सो घुटने का वजन के साथ बहुत सीधा रिलेशन है। घुटने में दर्द, अगर आपका वजन ज्यादा है तो ज्यादा होगा, वजन कम है तो कम होगा। घुटने में दर्द में आपको आराम चाहिए तो फर्स्ट चीज जिस पे आपको काम करना है वो क्या करना है, वजन कम करना है। तो अगर आप वजन कम करेंगे तो घुटने को बचाएंगे। इसलिए मैं अपने हर पेशेंट को टारगेट देखता हूं, जो भी मेरे पास घुटने का तकलीफ लेके आता है, कि अपना वजन 5 किलो कम करें। 5 किलो कम करके 50% प्रॉब्लम रिडक्शन आप सीधे के सीधे कर सकते हो। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉब्लम रिडक्शन। सो सेफ एंड द सेफेस्ट थिंग। अब मोस्टली मुझसे पेशेंट बोलते हैं कि कैसे कर सकते हैं, घुटने में दर्द है तो हम कोई भी एक्सरसाइज करें, चले फिरें तो भी तकलीफ बढ़ती है। तो उसके ऊपर हम एक पैटर्न बनाते हैं, एक वो बनाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। पहली चीज, क्या क्या आपको अलाउड है, क्या क्या आपको अलाउड नहीं है। फर्स्ट चीज, चलना अलाउड है, वॉक कर सकते हो, वॉक करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समतल सरफेस पे वॉक करें, अच्छी अच्छी क्वालिटी का फुटवेयर लें। ये बहुत ही छोटी चीज है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फुटवेयर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नी पे। हमने कई बार देखा है कि हार्ड सोल के शूज अथवा तो टाइट शूज, उसमें तकलीफ ज्यादा होती है। लेडीज में अगर आप सैंडल पहनेंगे, हाई हील्स पहनेंगे तो तकलीफ ज्यादा होती है। तो फुटवेयर मॉडिफाई करें, स्पोर्ट शूज पहनें। आपको सिंपल फुटवेयर रखना है, कोई हैवी फुटवेयर, कोई बहुत कॉस्टली फुटवेयर लेने की जरूरत नहीं है। पर सिंपल फुटवेयर विद अ सॉफ्ट स्पॉन्जी हील, सिंपल स्पोर्ट शूज वर्क्स द बेस्ट, मोस्टली पेशेंट्स के लिए काम करते हैं, सबसे अच्छे रहते हैं, लंबे टाइम तक आप चल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। वॉकिंग इज अलाउड, वॉकिंग इज अलाउड फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। दूसरी चीज, सारे ही पेशेंट के लिए, मोस्टली सारे पेशेंट के लिए ब्रिस्क वॉकिंग हम अलाउ करते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल्की जॉगिंग भी आप टाइम टू टाइम कर सकते हैं। उसके ऊपर की एक्सरसाइज आपके घुटने पर निर्भर करेगी। आपके घुटने में डैमेज ज्यादा है तो हम बहुत ज्यादा रनिंग या एक्सटेंशनल स्पोर्ट्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, उसकी सलाह नहीं देते हैं। बट दैट डिपेंड्स ऑन योर फिजिशियन, आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन की एडवाइस पर डिपेंड करेगा। आपके लिए क्या है, वॉकिंग आप कर सकते हो। नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज अगर आप कुछ भी कर पाओ तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अब नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज क्या होती है, अगर हम घुटने की बात करें तो अगर आपको स्विमिंग का शौक है, आपको स्विमिंग आती है, तो स्विमिंग बेस्ट नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो रही है, घुटने पर वजन भी नहीं पड़ रहा है। तो स्विमिंग करने से आप अपने घुटने को एक्सरसाइज भी दे सकते हैं, मसल्स भी मजबूत कर सकते हैं और घुटने पर लोड भी नहीं आ रहा है। तो स्विमिंग, यस स्विमिंग करें। दूसरी चीज, साइकिलिंग, वेरी गुड। साइकिलिंग इज अगेन वेरी लेस लोड बेयरिंग। अगेन आप एक्सरसाइज कर रहे हो, घुटने का मूवमेंट हो रहा है पर घुटने पर लोड ही कम हो रही है। तो यस, साइकिलिंग ऑल्सो वेल एक्सेप्टेड इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू इफ यू हैव अ नी पेन। हमने कई ऐसे पेशेंट देखे हमारे जो आर्थोस्कोपिक सर्जरी के बाद साइकिलिंग की तरफ जाते हैं एंड दे आर मच सेफर इन साइकिलिंग। दे कैन साइकिल वेल, दे कैन साइकिल 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो साइकिलिंग आप करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी, कई पेशेंट हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रेडमिल अथवा तो वॉकर। यस, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, स्टिल ट्रेडमिल इज ओके, वॉकर इज ओके। डू इट एट लो पेस, यू कैन डू अप टू ब्रिस्क वॉक,
लाइट जॉगिंग, उसके ऊपर में थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि वी हैव सीन कई सारे इंजरीज बिकॉज ऑफ द ट्रेडमिल। तो अगर आप बहुत तेज ट्रेडमिल के ऊपर भागते हैं तो आपको घुटने में इंजरी हो सकती है, घुटना ट्विस्ट हो सकता है, तो वो चीज की खास ध्यान रखें। इफ यू आर डूइंग ट्रेडमिल और वॉकर, आई विल जस्ट आस्क यू, थोड़ा ध्यान रखें, प्रिकॉशन रखें, इतना ध्यान रखें कि आपका घुटना ट्विस्ट नहीं हो, इंजरी नहीं हो, आप गिर नहीं जाए। बी सेफ वाइल यू एक्सरसाइज, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात रही आपकी एक्सरसाइज की। इसके ऊपर की जो एक्सरसाइज है, आइडियली यू शुड ऑलवेज बी डूइंग इन कंजक्शन इन एडवाइस विद योर डॉक्टर। अगर आपको इसके ऊपर की कोई भी एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है, मैराथन करनी है, एनीथिंग एल्स, फुटबॉल खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, टेक एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर, योर ऑर्थोपेडिक सर्जन बिफोर स्टार्टिंग द सेम। क्रिकेट इज अ सेफर स्पोर्ट। क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट मेरे ख्याल में इंडिया में खेला जाता है, इट्स अ सेफर स्पोर्ट। इससे आपके घुटने में तकलीफ है, आप क्रिकेट खेल सकते हो, डोंट प्ले इट ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, पर आप अपने घर में खेलते हैं, मोहल्ले में खेलते हैं, तो दैट इज सेफ, वो आराम से कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं समझता हूं भारत में मेरी ओपीडी का हर पेशेंट मुझसे पूछता होगा इज डाइट। क्या खाऊं मैं डॉक्टर साहब, मैं क्या खाऊं कि जो घुटने मजबूत रहें? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें समझना होगा कि हमें घुटने में क्या चाहिए। कई लोगों में ये भ्रांति होती है कि हम अगर घी खाएंगे तो घुटने में चिकनास ज्यादा रहेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। घी और घुटने की चिकनाई का कोई रिलेशन नहीं है। ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल दें कि चिकनाई खाने से घुटने में चिकनाई रहेगी, ये गलत बात है, सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, इसको मन से निकाल दें। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या खाना चाहिए। सो एनी बोन एनी ज्वाइंट इज गुड, इट नीड्स अ गुड नीड ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन। सो हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि हाई कैल्शियम डाइट लें, हाई प्रोटीन डाइट लें। उसमें क्या क्या आ गया है? नंबर वन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी हुई चीजें आप जो मर्जी ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। दूध लें, छाछ लें, लस्सी लें, सब कुछ ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज या ओबेसिटी या वजन की तकलीफ है तो मैं सजेस्ट करता हूं कि टोंड मिल्क, अच्छा तो डबल टोंड मिल रहे हैं, वो दूध जिसमें से मलाई निकल गई हो वो दूध आपके लिए अच्छा है क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा उतनी की उतनी है पर फैट उसमें से निकल गया है। तो टोंड मिल्क अच्छा तो डबल टोंड मिल्क आप बहुत सेफली ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी चीज, नट्स, बादाम, मूंगफली और दूसरे नट्स आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो एंड कैल्शियम ऑल्सो। तो नट्स आप ले सकते हैं। अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जैसे मैं कहा आपको कि वे प्रोटीन है, ये तो फिर सोयाबीन की तरह प्रोटीन आप लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, दे आर ऑल्सो गुड फॉर द बोन्स। रागी इज वेरी गुड, रागी इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, वो आप ले सकते हैं। और अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो नॉनवेज में एक लिमिटेड पोर्शन आप कैल्शियम के लिए लिया जा सकता है। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैल्शियम डाइट आपके अमाउंट में अच्छा होना चाहिए, कैल्शियम डाइट का अमाउंट अच्छा होना चाहिए। सपोजली आपको लगता है कि अमाउंट कैल्शियम डाइट का हमारे खाने में पूरा नहीं आ रहा है, हम जितना कैल्शियम रिक्वायर्ड है उतना नहीं ले सकते, तो बहुत आसान सी चीज है, मार्केट में ओवर द काउंटर कैल्शियम प्रिपरेशन अवेलेबल है, वो कोई भी आदमी ले सकता है। हम ये रिकमेंड करते हैं कि हमारे सारे ही पेशेंट कैल्शियम प्रिपरेशन ले लें। कैल्शियम ओवर द काउंटर प्रिपरेशन आपको हर दुकान में मिल जाएगा, रोज का 500 ग्राम आप इजीली ले सकते हैं, नॉट एन इशू, आराम से ले सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। कौन से पेशेंट होते हैं? स्पेसिफिकली हमारी लेडीज, पोस्ट मेनोपॉजल, मासिक धर्म खत्म हो जाए उसके बाद कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है हड्डी में, उस समय ज्यादा लेना चाहिए। लेडीज जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, उनमें खासतौर पर और रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी जो कंडीशन है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, या आपको और भी कोई कंडीशन है, खांसी जुकाम अस्थमा की तकलीफ है, आप स्टीरॉयड ले रहे हो या और भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो भी आप अपना कैल्शियम इंटेक अच्छा रखें। दूध से बने पदार्थ, नट्स ज्यादा से ज्यादा लेते रहें। केला एक बहुत अच्छा सोर्स है, अगर आप केला खा सकते हैं तो केले में कैल्शियम का प्रमाण काफी अच्छा होता है, तो केला लीजिए, सो दैट इज वेरी गुड फॉर यू। तो इसी तरह से अपनी डाइट को मॉडिफाई कीजिए, यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ डाइटिशियन, अपने एक डाइट से हेल्प ले सकते हैं। सिंपल फ्रूट्स की हम बात करें तो एप्पल एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है, यू कैन टेक एप्पल, यू कैन टेक अदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच आर गुड इन कैल्शियम। तो ये सारे आप फ्रूट्स जो है वो ले सकते हैं, अपनी डाइट को एक बैलेंस डाइट रखें। और जैसा मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मन में ये सुपरस्टिशन नहीं रखें कि तेलीय पदार्थ खाएंगे या ऑयली पदार्थ खाएंगे तो तकलीफ ज्यादा होगी। अदर और दूसरे फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो चीकू एक बहुत अच्छा फ्रूट है, आप चीकू ले सकते हैं, चीकू इज गुड इन कैल्शियम, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर एनी पेशेंट्स, वो आप ले सकते हैं।
ये बात रही प्रिकॉशन की और डाइट की। अब तीसरी चीज हो जाती है कि घुटने को क्या चाहिए, क्या आपको करना चाहिए घुटने में जिससे घुटने की मांसपेशी मजबूत रहे। सो फिजियोथेरेपी या तो घुटने की एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अब हम घुटने की एक्टिविटी में क्या कंसीडर करते हैं कि घुटने में बेसिकली अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ मांसपेशी होती है जिसको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, और पीछे की तरफ जो मांसपेशी होती है उसको हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं। ये दोनों ही मसल्स का अगर हम बराबर एक्सरसाइज करते रहेंगे, फिजियोथेरेपी करते रहेंगे, तो हमारी बॉडी का स्ट्रेंथ और घुटने के ऊपर लोड कम पड़ेगा। क्या कहते हैं इसको? डीलोडिंग। डीलोडिंग योर जॉइंट। सो व्हाट इज फिजियोथेरेपी? यू डीलोड योर जॉइंट। डीलोड कैसे करोगे आप? घुटने पे लोड कम करना है तो मांसपेशी मजबूत करनी। मांसपेशी कितनी हुई? दो, ऊपर की। एक मांसपेशी ऊपर की जिसको क्वाड्रिसेप्स बोलेंगे और नीचे की मांसपेशी जिसको हैमस्ट्रिंग बोलेंगे। कैसे मजबूत करेंगे? सिंपल है, आपको कोई, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट, सिंपल चीज है, बहुत एक सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं। अपना पाव लंबा कीजिए, घुटने को दबाइए, दस्ता गिनिए, छोड़ दीजिए। घुटने को दबाइए, दस्ता गिनिए, छोड़ दीजिए। क्या कहते हैं इसको? स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। सिंपल स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। घुटना दबाया, दस्तक गिना, छोड़ दिया। दबाया, दस्तक गिना, छोड़ दिया। आपको नीचे एक तकिया रखना है, रख सकते हैं, नहीं रखना है कोई बात नहीं, बाकी सिंपल तरीका है। घुटना दबाना है, दस्तक गिना है, छोड़ देना है। दबाना है, दस्तक गिना है, छोड़ देना है। पंजे का मूवमेंट ऊपर नीचे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ये एक एक्सरसाइज हुई। तीसरी एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट है, इसको हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? SLR, स्ट्रेट लेग रेज। कैसे करेंगे हम? पांव को ऊपर ले जाएंगे लाइक दिस, अगेन होल्ड फॉर 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नीचे किया, ऊपर किया, दस तक दिन गिना, छोड़ दिया। क्या बोलते हैं इस एक्सरसाइज को? स्ट्रेट लेग रेज। देन एक सिंपल एक्सरसाइज है, पाओ को ऊंचा करेंगे, हम इधर लेके